नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। सपा बसपा गठबंधन की घोषणा व सीटों पर बंटवारा होने के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। डिंपल कन्नौज से चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि अखिलेश के लिए नई सीट खोजी जा रही है। हालांकि उन्हें बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने कहा था अगला चुनाव डिंपल नहीं लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव मैनपुरी से लड़ेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेताजी की सीट आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में होंगे। हालांकि सबसे तेज न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तो कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अब खबर आ रही है कि डिंपल यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं अखिलेश यादव के लिए कोई दूसरी सीट की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि डिंपल यादव अभी भी कन्नौज से ही सांसद हैं। डिंपल 2012 से कन्नौज की सांसद चुनी जा रही हैं। सपा बसपा गठबंधन के बाद लगातार सभी पार्टियां वहीं अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटों के जीतने के जुगाड़ में लगी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।